सेकेंड है, इसमें क्या करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड में डिवाइड दीजिए और चेक कीजिए कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो बेटा हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, टी स्क्वायर माइनस थ्री टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी की पावर थ्री माइनस टू टी की पावर स्क्वायर माइनस का 90 माइनस 12। ठीक है बेटा, तो जब इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बेटा 12 के फैक्टर निकालो, तो आप 12 के फैक्टर कैसे निकालोगे, टू थ्री कितना बेटा, सिक्स थ्री आ जाएगा और जी, तो बेटा टू इंटू थ्री, तो जी हमारे फैक्टर हैं बेटा 12 के हैं कि नहीं, तो आप इनका आप 12 में डिवाइड दोगे तो क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड जाएगा। जैसे आपने 2 का डिवाइड दिया तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का दिया फिर 6 बार गया, 3 का दिया 4 बार गया डिवाइड, तो पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बेटा इसका इसमें डिवाइड देंगे हम, तो रिमाइंडर यदि जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो के इक्वल टू होगा, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, कि जी वाला फर्स्ट है वो सेकेंड का फैक्टर है, जो फैक्टर ही तो है हमारे पास, समझ में आया। और यदि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो के अलावा और कुछ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, मतलब रिमाइंडर कुछ आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा देखते हैं डिवाइड देखे क्या आता है क्या नहीं आता है, तो बेटा देखो टू टी की पावर टू माइनस थ्री डिवाइड दीजिए, टू एक टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी की पावर थ्री टू टी की पावर टू 90 प्लस माइनस 12। बेटा पहले x था अब t हो गया है, लेकिन डिवाइड वैसे ही देना है, बस चेंज हो जाता है x कभी t कभी कुछ, तो आप इसमें जो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या चाहिए, 2t की पावर 4, और हमारे फर्स्ट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2t की पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म क्या है t की पावर 2। हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास जी आ जाए, समझ में आया। तो बेटा कितने का मल्टीप्लाई कर दें, टी की पावर पहले तो 2 चाहिए हमें, तो 2 का इनटू कर दें, 2 का इनटू कर दिया, और टी की पावर 4 है और यहाँ पर टी की पावर 2 है, तो टी की पावर 2 इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी आ जाएगा, इसके इक्वल टू हो जाएगा। तो डिवाइड दे दो बेटा, 2t की पावर 2 जी मैंने ले लिया, समझ में आया। इसका फिर जो भी वहाँ पर लेंगे हम उसका पूरे में इनटू करेंगे फिर, तो बेटा इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t की पावर 2t स्क्वायर माइनस का 3, इसमें डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा, 2t की पावर 4, इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस 2 3 या 6 और टी की पावर 2, तो जी आया कि नहीं आया। तो बेटा यहाँ पर नोट करो, तो 2t की पावर 4 माइनस 6t की पावर 2। आप चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख सकते हो, इधर उधर भी लिख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, देखो सॉल्व करेंगे फिर साइन चेंज करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, तो माइनस प्लस जे कैंसिल हो जाएगा। अब जे टी की पावर 3 टी की पावर 3 है ही नहीं कहीं पर, तो जे इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 3t की पावर 3 जे 6t की पावर 2 किसकी है, प्लस की है, और जे तो जी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 2t की पावर कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर, प्लस का नंबर बड़ा है प्लस का आ जाएगा। जे किसी के साथ में प्लस माइनस में होगा, अकेला सिंगल है, और जे भी ऐसा बैठा हुआ है वैसा ही बैठा रहेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब बेटा यहाँ पर 3t की पावर 3 चाहिए अब हमें, और हमारे पास कितना है, टी स्क्वायर है, तो कितना और चाहिए, 3 चाहिए और एक टी चाहिए, तो इनटू करेंगे इसमें, तो 3t का टी स्क्वायर में करेंगे, इसमें इनटू किया तो 3t की स्क्वायर सॉरी 3 इसमें करेंगे तो 3 3 या 90। ठीक है, तो भी
9t। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना बेटा साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, जी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो जी, 90 प्लस का है और यहाँ पर जी माइनस का है, तो जे भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 40 स्क्वायर माइनस का 12 बचेगा। समझ में आया? अभी भी देखो जी बेटा टी की पावर 2 है, यहाँ पर टी की पावर 2 है, छोटा नहीं है, इक्वल टू है, अभी इक्वल टू है तो डिवाइड जाता है ना, देखो 9 में 9 का डिवाइड जाता है कि नहीं, 9 × 9 जाता है कि नहीं, तो अभी भी डिवाइड जाएगा। तो बेटा अब कितना चाहिए हमें, 40 चाहिए, 4 चाहिए ओनली, तो 4 का इंटू इसमें कर देंगे, तो 4 का इंटू करो बेटा टी स्क्वायर माइनस 3, इसमें इंटू किया तो 4 टी स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 12, 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा 4 टी स्क्वायर माइनस 12, जी यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद साइन चेंज करते हैं, जी प्लस का है जी माइनस का कैंसिल, जी प्लस जी माइनस का जी प्लस का कैंसिल, कितना आया रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब क्या है कि जी पूरा डिवाइड चला गया, कम्प्लीटली डिजिबल है जी। तो जब पूरा डिवाइड चला जाता है तो इसका मतलब जी है कि जी वाला फैक्टर टी स्क्वायर माइनस 3 इसका बेटा फैक्टर होगा, तभी तो पूरा डिवाइड जा रहा है, डिवाइड तभी तो जाता है, जैसे हम 12 में हमने 3 का डिवाइड दिया तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 0, तो जी इसका 3 इसका फैक्टर है तभी तो डिवाइड जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, और बेटा कोसेंट कितना हो जाएगा, टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और रिमाइंडर बेटा इक्वल टू 0। समझ में आया? सेकंड वाले में बेटा एक काम करना, आप लोग सेकंड वाला आप कर लेना, यदि नहीं आए तो कल आके पूछ लेना, और थर्ड वाला मैं करवा देता हूँ। तो थर्ड वाला कौन सा है, सेकंड का थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1। इसको भी बेटा हम चेक करेंगे, तो बेटा x की पावर 3 है माइनस 3x प्लस 1, डिवाइड देंगे x की पावर 5, 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें डिवाइड दूँ। हमने आपको क्या बताया था कि इसका इस वाले पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म देखेंगे, इसका भी फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो यहाँ पर बेटा कितना है, x की पावर 5 है और यहाँ पर कितना है, x की पावर 3 है, तो कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए, इसका पूरे में इंटू कर दो, तो x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 2 सॉरी 3 हो जाएगी और x हो जाएगा x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर पता चल जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता। साइन चेंज करेंगे जी, देखो कैंसिल हो गया जी, इसमें प्लस माइनस होगा, 4x क्यूब माइनस का है और जी किसका है, प्लस का है, तो माइनस 4x क्यूब माइनस का और प्लस का 3x क्यूब, तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा, तो माइनस का x क्यूब आया, और जे जे माइनस का है जे प्लस का है जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। अब हमें चाहिए माइनस का, देखो पावर एक जैसी है, पावर एक जैसी है तो पावर तो इक्वल टू है, मतलब डिवाइड जाएगा। अब कितना चाहिए हमें, माइनस का एक्स क्यूब चाहिए, तो माइनस का एक्स क्यूब चाहिए और एक्स क्यूब हमारे पास है, तो माइनस का 1 ले लूँ, तो माइनस 1 का इंटू करेंगे इसमें तो जी आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और माइनस का 1, साइन चेंज करो, जी कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, जी आपस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर, 1 और 1 आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस माइनस का था प्लस का बन गया,
यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। तो जब रिमाइंडर बेटा टू आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर आ गया ना तो फैक्टर पूरा डिवाइड नहीं गया, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखो पहले कोसेंट इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का वन और रिमाइंडर कितना टू, और यहाँ पर क्या लिखो फर्स्ट मियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। बेटा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है बेटा जी, आपका आंसर होगा सेकेंड वाला आप लोग करके लाना, ठीक है।